हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी, एमबीबीएस एमडी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी इन अश्विनी मेडिकल कॉलेज शोलापुर, महाराष्ट्र, इंडिया। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ नीट एस्पिरेंट्स को, जो नीट देना चाह रहे हैं 2020 में। तो किस तरह से मैं स्टडी करती थी, तो सबसे पहले तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप नीट में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, वो आप एग्ज़ाम तक उसको याद रख सकते हैं और अच्छी तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में भी वो याद आएगा, और आप जो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आप याद रखने के काबिल हैं। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं रहेगा आप में, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहली चीज़ जो है आपके लिए ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये क्रैक कर सकते हैं नीट, और हम हर चीज़ याद रख सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो हमने पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में, पेपर में हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम टेबल। तो आपको अपना डेली का टाइम टेबल बनाना है। एक पेपर पे एक पेन से लिख लीजिए, दो कॉपी बनाइए टाइम टेबल के। एक तो एक अपने आप जेब में रखेंगे, 24 घंटे आपके साथ रहेगा एक टाइम टेबल, और दूसरा आप अपने स्टडी टेबल के सामने वो टाइम टेबल लगा देंगे। आप अपना डेली का टाइम टेबल बनाएं, फिर वीकली बनाएं क्या करना है आपको, वीकली रिवीजन का, और महीने भर का बनाएं आपको। तो वो जो डेली का टाइम टेबल है वो इस तरह से बनाना है हमको कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, 2 घंटे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और 3 घंटे हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। इस तरह से जैसे भी आपको, मतलब जिस दिन आपको जो चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप उसके घंटे लिखेंगे कि हम फिज़िक्स के 3 घंटे, बायोलॉजी के 3 घंटे, केमिस्ट्री के 2 घंटे। तो ये हम हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का गैप लेंगे कंटिन्यूस। अगर आप 8 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं होता तो आपके दिमाग पर बहुत बर्डन पड़ेगा, माइंड पे। तो आपको 2 घंटे के बाद 10 मिनट का गैप लेना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे, मैं कह रही हूँ 2 घंटे स्टडी और 10 मिनट गैप, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 मिनट स्टडी और 2 घंटे गैप, कि आप गैप ही लेते रहें और पढ़ाई भूल जाएं और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी, फेसबुक आपको बंद कर देना है बिल्कुल, जो है नेट का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत कम करना है। टेस्ट सीरीज वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बंद करना है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो भी है, तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन बंद करना है। और सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का गैप लेना है, ऐसे नहीं कि 10 मिनट की पढ़ाई और 2 घंटे का गैप। और ये कभी आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपने जो टाइम टेबल आज के लिए बनाया है वो आप उस 100% उसके लिए में कामयाब रहेंगे, ऐसे नहीं होता। तो पहले शुरू तो आपका सिर्फ 50-60% ही टाइम टेबल कामयाब होगा, दिन भर के लिए जो बनाए तो वो 50-60% ही कामयाब हुआ। पूरी तरह से हम इस पर अमल नहीं कर सके, पूरी तरह से हम इस पर नहीं चल सके, ये सोच के आप बिल्कुल मायूस मत हो जाइए। और अगले दिन से टाइम टेबल बनाना ही छोड़ दिए तो फिर तो समझिए आप बिल्कुल भी नीट क्रैक नहीं कर सकेंगे। तो टाइम टेबल बनाना ही है, शुरू में वो आप 100% तो नहीं होंगे कामयाब, लेकिन बाद में प्रैक्टिस के साथ 50-60-70-80% तक भी आपका टाइम टेबल कामयाब हो जाएगा। अगर 80% तक भी आप अपने टाइम टेबल पर अमल कर पा रहे हैं तो समझिए आप सही जा रहे हैं। तो आपको टाइम टेबल बनाना है और ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखना है। 2 टिप्स मैं दे रही हूँ और आगे के टिप्स मैं आगे के वीडियोस में दूंगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।